समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बूथ को मजबूत कर आगरा में साइकिल में हवा भरने की जुगत में जुटे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उम्मीदों को परवान चढ़ाते हुए उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। वो पार्टी के पुराने क्षत्रपों से तो आशीर्वाद ले ही रहे हैं, वहीं अखिलेश के हर प्रमुख सिपाही से मिल संगठन की मजबूती का खाका भी खींच रहे हैं। उन्होंने पार्टीजनों के साथ सी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि सपा का संगठन हर बूथ पर मजबूत मिलेगा। इस समय हर दल लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले निकाय चुनाव हैं जो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, जिसके लिए अपने अपने प्यादे दुरुस्त करने में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगरी के उपनाम से मशहूर आगरा में एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी है जो संगठन को जानता है और संगठन जिसने चलाया है। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि बसपाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वे सपा में शामिल हुए थे और आजकल अखिलेश यादव के एक प्रमुख सिपाही के रूप में आगरा जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। आजाद सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद वकील साहब। अब निकाय चुनाव हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, आज कर्नाटक चुनाव की घोषणा हुई है, लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में किस तरीके से संगठन खड़ा करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा करना एक बड़ा दुष्कर कार्य माना जाता है। वकील साहब, निकाय चुनाव सिर पर है, मैं समझता हूँ कि इस अप्रैल में संभावित तारीखें आ जाएंगी। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नगर निगम के रहने वाले लोग और पूरे जनपद आगरा के सभी समाजवादी लोग बिल्कुल तैयार हैं और नगर निकाय चुनाव में अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी देगी। संगठन जो, क्योंकि अभी निकाय चुनाव हैं तो संगठन बूथ तक पहुंचाना है और समाजवादी पार्टी के अगर संगठन की बात की जाए तो कागज़ों पर होता नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि संगठन, जैसा आपने बताया कि बसपाई पृष्ठभूमि रही है, बसपाई अब सफाई हुए हैं, निश्चित रूप से ये परमपूज्य बाबा साहब के नाम से दलित राजनीति मानी जाती है। यहाँ बसपाई जितने लोग हैं वो इस समय आतुर हो रहे हैं कि हमें कब सस्ता दिलाई जाए। मैं 500 लोगों की सस्ता अभी बहुत जल्दी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की सस्ता दिलवाऊंगा और निश्चित रूप से संगठन के बारे में, जैसा आपने बताया, क्योंकि मैंने 37 साल काम ऐसे दल में करके आया हूँ, 2 साल मेरे को सपा में हो गई, तो निश्चित रूप से काम मौके पर दिखाई देगा, एक एक कार्यकर्ता समाज पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेगा। बसपा में कार्यकर्ता होते हैं और समाजवादी पार्टी में नेता, ऐसे कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बसपा में कार्यकर्ता होते हैं, सपा में नेता होते हैं, लेकिन इसको केवल कहने के लिए, लेकिन आज अगर आप 2 घंटे पहले कार्यालय पर आते, आज नेता बहुत कम थे और सभी लोग कार्यकर्ता थे और निश्चित रूप से आज सपा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की एन बेला पर जिलाध्यक्ष में परिवर्तन किया है, तो क्या इस बदलाव से क्या फ़र्क आएगा? समाजवादी पार्टी ने जो बदलाव किया है उससे निश्चित, जो निकाय चुनाव में आपको देखने के में लगा कि आगरा दलितों की राजधानी कहा जाती और ये कहते आरोप लगता रहता कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी को अध्यक्ष बनाती है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस मिथक को तोड़ते हुए जो लोग कहते थे कि जाट समाज को या दलित समाज को समाजवादी पार्टी में कभी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जो समाजवादी पार्टी बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने दलित को आगरा की कमान देकर जो सिद्ध कर दिया कि समाजवादी पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है। आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, आपने संगठन को बड़े नज़दीक से देखा है और चुनाव में किस तरीके से संगठन काम करता है ये भी देखा है, तो ये बदलाव किस रूप में आप देखते हैं? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दलितों की राजधानी कही जाती है आगरा, वहाँ पर इस समय बहुजन समाज का जो मतदाता है वो इस समय दो राय पर खड़ा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान दी है, वो संगठन को, संगठन के निर्माण करने में वो बहुत माहिर हैं और निश्चित रूप से जब विधानसभा चुनाव से पहले माननीय वर्तमान जिलाध्यक्ष आजाद सिंह जी ने जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने निरंतर रूप से देखा, जहां हम लोग सोच नहीं सकते थे 507 बूथ हैं हमारी विधानसभा में, जहाँ दलित समाज के मतदाता रहा करते थे, चाहे मुझे 20 वोट मिले लेकिन 20 से 25 वोट हर बूथ पर मिलने का काम किया, उसका श्रेय मैं हमेशा आजाद सिंह जी को देता हूं। अगर ये ना आते तो मैं समझता हूं वोट न मिलता। आज ये निकाय चुनाव हमारे सर पर खड़े हैं और दलितों की राजधानी है ये। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब से, जिस दिन से इनकी घोषणा हुई है, लोग, मैं कहूँगा तो लोग हंसेंगे मेरी बात पर,
तमाम ऐसे पार्षद जो भाजपा में हैं इस समय, भाजपा की टिकट पर पार्षद हुए हैं, आज वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से उन्हें लग रहा है कि इस समय जो दलित मतदाता है वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आने वाला है। जब दलित मिल जाएगा और हमारा जो वोट वो मिल जाएगा तो निश्चित रूप से पार्षदों की संख्या हमारी निश्चित रूप से बढ़ेगी और अच्छा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। राजबब्बर के स्टार्डम और बहा में राजा अर्दमन सिंह के राजघराने की धमक को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक आगरा से साइकिल पंचर ही रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा के मिशनरी सिपाही का साथ लेकर अखिलेश यादव क्या यहां से साइकिल को दिल्ली पहुंचाने में समर्थ साबित होते हैं या फिर कहानी वही ढाक के तीन पात रहती है। आगरा से अपने साथी मनोज के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़।